बंगाल के चुनाव में ममता जी जीत गई हैं। जीतना ही था क्योंकि हिंदू उत्साह में तो रहते हैं लेकिन युद्ध के अंत तक उनका उत्साह बना नहीं रहता है। तो बंगाल की जो जनसंख्या है उसका स्वरूप इस प्रकार है, 29.5% मुसलमान और 70.5% हिंदू। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि लगभग 71% हिंदुओं में से 23% हिंदू मतदान करने के लिए नहीं गए और ये 29% मुसलमानों में से सिर्फ 2% मुसलमान शायद जो बीमार रहे होंगे या जो विदेशों में रहे होंगे वे मतदान करने के लिए नहीं गए। और जिन लोगों ने मतदान किया उन लोगों ने भी वामपंथियों के पक्ष में, कांग्रेसियों के पक्ष में 10% लोगों ने मतदान किया, हिंदुओं ने मतदान किया। और जिस ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को राशन कार्ड, वोटर कार्ड, रहने के लिए जगह सुरक्षित करते हुए कहा देखते हैं कि कौन तुमको बंगाल से निकाल सकता है, और जिस ममता बनर्जी ने दशहरा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया, माता सरस्वती के पूजन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, जिसने विपक्ष के हिंदुओं को मारकर पीपल के पेड़ पर लटका दिया, उस ममता बनर्जी को 13% हिंदुओं ने वोट दिया। लेकिन 29.5% मुसलमानों में से सिर्फ 2.5% मुसलमान ही खिसके दो प्रतिशत मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अन्यथा 25% मुसलमानों ने एकमुश्त अपनी हितैषी मुस्लिम परस्त ममता के पक्ष में वोट दिया। इसलिए बंगाल के खेले का अन्वेषण ये है कि मानो युद्ध के समय 23% सैनिक भाग गए और 23% सैनिक शत्रुओं के साथ मिल गए, उसका परिणाम बंगाल के चुनाव में हिंदुओं की दुर्दशा है। अब भुगतो तारका को 5 वर्षों के लिए। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ देन टफ गेट्स गोइंग। जब गमन करना कठिन हो जाता है, जब चलना कठिन हो जाता है, तो जो कठोर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ऐ हिंदुओं, तुमको मुसलमानों से भी अधिक कठोर बनना पड़ेगा, तुमको मुसलमानों से भी अधिक अपने सुयश के लिए प्रतिबद्ध बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने विजय के लिए मुसलमानों से भी अधिक प्रतिबद्ध बनना पड़ेगा। बंगाल के चुनाव की यही सीख है। समय भागता चला जा रहा है,
तेजी से हिंदुओं के लिए विपरीत अवस्था उपस्थित हो रही है। 1952 में बंगाल में मुसलमान 12-13% थे, आज उनकी जनसंख्या 29.5% हो गई है और अगले चुनाव में उनकी जनसंख्या लगभग 35% हो जाएगी। फिर उनका बंगाल में कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। ए हिंदुओं, बंगाल के हिंदुओं, तुम्हें अपने कृत्य का परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी भी संभल जाओ, वक्त मुनादी कर रहा है, तुम्हें सावधान कर रहा है। यद्यपि हम जय और पराजय के फेंस पर बैठ गए हैं, अब अधिक गुंजाइश नहीं है, अब अधिक कुशन नहीं है, अभी भी संभल जाओ। तुमसे यही निवेदन है।